हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 1.4 फॉर क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशंस। यानी कि भाई हमें 3.765 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है विद मैग्नीफिकेशंस की सहायता से, ओके, यानी कि लेंस की सहायता से। सबसे पहले वी हैव टू लोकेट 3.765 ऑन द नंबर लाइन। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3.765 को नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 3.765 लाई बिटवीन 3 एंड 4। भाई जो हमारा 3.765 है ये किन टू नंबर के बीच में होगा? 3 के और 4 के बीच में होगा, ओके। तो सबसे पहले भाई हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्टेप फर्स्ट के अंदर इस प्रकार से, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। अब भाई जो हमारा ये नंबर होगा 3.765, ये किसके बीच में होगा? 3 की ओर, इन दोनों नंबर के बीच में होगा। अब इन नंबर को मैग्नीफाइंग करेंगे यानी कि जूम करेंगे, तो इनके बीच में दूसरी नंबर लाइन बनाएंगे सेकेंड स्टेप में। इन 3 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और लास्ट में क्या होता है? 4, ठीक है। तो भाई जो अब हमारा नंबर है वो कहाँ लोकेट करेगा? 3.7 से और 3.8 के बीच में करेगा। 3.765 है ये 3.7 के और 3.8 के बीच में करेगा। अब हम इसको और विजुअलाइज कर देते हैं, यानी कि और इसको जूम कर देते हैं। तो अब इसके आगे क्या होगा? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 3.8, ठीक है। इस प्रकार से इसको शो कर देंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। अब जो हमारा नंबर क्या है, 3.76 तो हमारे पास आ गया। अब 3.765 है हमारा, तो इनको और विजुलाइज करेंगे और जूम कर देंगे, तो इन दोनों के बीच में नंबर क्या होंगे? 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.77, ओके। तो भाई इस प्रकार से जो नंबर होगी हमारी क्या फाइंड करना है? 3.765, तो ये नंबर यहाँ पे लोकेट करेगा। तो इस नंबर के ऊपर हम क्या लगा देंगे? सर्किल लगा देंगे। तो आई होप आपको भी किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। पहले तो भाई हम रैशनल नंबर जो छोटे होते थे उनको करते थे, अब ये जो पॉइंटों वाले जो नंबर हैं इनको इस प्रकार से विजुअलाइज कर करके इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है विजुअलाइज 4.26 और इसके ऊपर बार लाइन लगा रखी है, ठीक है। ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल पैलेस, इस नंबर को 4 डेसिमल पैलेस तक हमें क्या करना है? आगे करना है और इसको फिर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 4.26 के ऊपर बार लाइन लगी हुई, तो इसका मीन्स क्या होगा? 4.26 का क्या हो रहा है? बार बार रिपीटेशंस हो रहे हैं। अब हमें इस नंबर को क्या करना है? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब भाई फर्स्टली हमें पता है कि जो 4.2626 है ये किन टू नंबर्स के बीच में होगा? 4 के और 5 के बीच में होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम नंबर लाइन बनाएंगे, 4 के ऊपर और 5 के ऊपर सर्किल करेंगे, फिर जब हम इसको विजुलाइज करेंगे और जूम करेंगे तो इसके अंदर नंबर क्या होंगे? 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। अब जो हमारा 4.26 है, 2626, वो किसके बीच में होगा? 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। अब थर्ड स्टेप में हम इसको और विजुलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4.21, 4.22, इस प्रकार से ये नंबर लाइन बन जाएगी हमारी, ठीक है, 4.3 तक। अब हमारा नंबर 4.26 और 4.27 के बीच में होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे? और विजुलाइज कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4.261, 4.262, 4.263, इस प्रकार से इसको आगे राइट करते हुए जाएंगे। अब हम इसको और विजुलाइज कर देंगे यानी कि और जूम कर देंगे, तो भाई जो नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4.2621, 4.2622, 4.26233, 23, 4.6, 4.2624, 4.2625, 4.266, 4.267, 2.627, 4.2628, 4.2629, ओके। तो हमें क्या फाइंड करना है भाई? नंबर 4.2626,
तो ये नंबर हमारा यहाँ पे होगा, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, सर्किल लाइन लगा देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।